सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल #rituskitchen को और लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए इस बेल बटन को ज़रूर दबाइए। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ढोकली की रेसिपी जिसे मैंने कुकर में बनाया है। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए बेसन 1.5 कप, फुल्ली स्लिट ग्रीन चिलीज, 10 ग्राम्स इनो, करी पत्ता, चॉप्ड धनिया पत्ता, टर्मरिक पाउडर, सॉल्ट, ब्लैक मास्टर सीड, शुगर, लेमन जूस, रिफाइंड ऑयल और सेमोलिना और सूजी। अब बैटर तैयार करने के लिए हम बेसन में 1.5 टेबलस्पून सूजी ऐड करेंगे और इसके साथ थोड़ा सा सॉल्ट, 2 पिंचेस टर्मरिक पाउडर, 1.5 टेबलस्पून लेमन जूस और पानी ऐड करेंगे। हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे ताकि बैटर ज़्यादा वाटरी ना हो जाए। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा और पानी ऐड कर लेंगे। बैटर को अच्छे से मिक्स कीजिए ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। तो अब हमने एक परफेक्ट मीडियम थिक कंसिस्टेंसी का बैटर बना लिया है। अब एक कुकर में 1.5 से 2 ग्लास पानी ऐड करके उसको 4 से 5 मिनट तक हीट कर लेंगे। मैं यहाँ स्टीमिंग के लिए केक का मोल्ड यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो लंच बॉक्स भी यूज़ कर सकते हो। पानी के गर्म होने तक हम स्टीमिंग प्लेट को ऑयल से प्रॉपरली ग्रीस कर लेते हैं। ऑयल ग्रीसिंग करने से कुक करने के बाद ढोकला प्लेट से आसानी से निकल आएगा। पानी लगभग गर्म हो चुका है तो चलिए अब हम इस बैटर में फूड सॉल्ट या फिर इनो डाल देते हैं। ध्यान रखिए कि हमें अनफ्लेवर्ड इनो ही यूज़ करना है। अब इस बैटर को एटलीस्ट 1 मिनट तक अच्छे से मिक्स करना है। बैटर को अब हम तुरंत ही ग्रीस किए हुए स्टीमिंग प्लेट में डाल देंगे। प्लेट को अब थोड़ा सा टैप कर लीजिए ताकि बीच में कोई गैप ना रह जाए। कुकर के अंदर हम एक स्मॉल स्टैंड को डाल देंगे और बैटर प्लेट को हम उस स्टैंड के ऊपर प्लेस कर देंगे। कुकर के कवर से इसका गैस्केट और रबर रिंग रिमूव कर लीजिए। अब हम इसको 20 से 25 मिनट तक लो फ्लेम में कुक करेंगे। 20 से 25 मिनट तक कुक होने के बाद हम कुकर को खोलेंगे और ढोकले को चेक करेंगे कि अच्छे से कुक हुआ कि नहीं। चेक करने के लिए हम ढोकले के अंदर एक नाइफ को इंसर्ट करेंगे और अगर नाइफ विदाउट स्पॉट बाहर निकल आ जाए इसका मतलब ये अच्छे से कुक हुआ है। प्लेट को हम कुकर से बाहर निकाल लेंगे और ठंडा होने के बाद ढोकले को हम प्लेट से निकालेंगे। ढोकले को प्लेट से निकालने के लिए ढोकले के एजेस को हम नाइफ से अलग कर लेंगे ताकि आसानी से निकल आए। अब इसके ऊपर एक प्लेट को रखेंगे और ढोकले वाले प्लेट को इसके ऊपर उल्टा कर देंगे। बिना कुछ तोड़े फोड़े दोस्तों हमने ढोकले को आसानी से निकाल लिया है। अब हम ढोकले के टेम्परिंग यानी तड़के के लिए कढ़ाई में 1.5 टेबलस्पून ऑयल गरम कर लेंगे। तेल गरम होने के बाद हम इसमें 1.5 टीस्पून ब्लैक मास्टर सीड, स्प्लिट किए हुए ग्रीन चिली और करी पत्ते को डाल के 3 से 4 मिनट तक अच्छे से सौते कर लेंगे। सौते करने के बाद हम इसमें 3 कप पानी डालेंगे। अब हम इसमें एक एक करके 3 टेबलस्पून शुगर, 1 टीस्पून लेमन जूस और थोड़ा सा नमक डालेंगे। अब हम इसको 2 से 3 मिनट तक धीमी आंच में बॉईल करेंगे। एक नाइफ में थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करके हम तड़के के तैयार होने तक ढोकले को काट लेते हैं। अब हम उस ग्रीस किए हुए नाइफ से
ढोकले को स्मॉल स्क्वायर पीसेस में काट लेंगे। हमने ढोकले को स्मॉल स्क्वायर पीसेस में अच्छे से काट लिया है और इधर तड़के का पानी भी रेडी हो चुका है। अब हम इस तड़के के पानी को ढोकले के ऊपर अच्छे से स्प्रेड करेंगे ताकि इसका टेस्ट अंदर तक जा सके। तड़के के पानी से हमने ढोकले को अच्छे से कोटिंग कर लिया है। फाइनली चॉप धनिया पत्ते को हम गार्निशिंग के लिए सबसे आखिर में डालेंगे। तो अब ये ढोकला सर्विंग के लिए बिल्कुल तैयार है। आप इसे घर में बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसा बना। थैंक यू।